दरभंगा, एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत नाबालिग युवती की मां महिला थाना में की है। बताया जाता है कि सिमरी थाना क्षेत्र के एक गांव में चार बच्चे के पिता ने रिश्ते की नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया था। नाबालिग युवती को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई महीनों से मुंह बंद रखने को मजबूर कर दिया था। वही नाबालिग यूपी को बताया था, यदि किसी को बताओगे तो घर के लोगों को भी जान से मार डालेंगे। नाबालिग युवती के शरीर में परिवर्तन होने पर परिजनों ने जब पूछताछ की तो नाबालिग ने गर्भवती होने के बाद परिजनों को बताई। आरोपी राजमिस्त्री का काम करता है, वैसेवारा थाना क्षेत्र के लोड़ी का निवासी केदार सहनी चार बच्चों का पिता है। केदार साहनी पिछले 2 साल से अपने ससुराल में ही रहता है। परिजनों को इस बात की भनक लगते ही केदार सहनी गांव से फरार हो गया है। परिजन जब केदार सहनी के परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी दी तो परिवार के सदस्य इस घटना को मानने को तैयार नहीं है। महिला थानाध्यक्ष सीमा कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी।